बाद मुफसरीन ने कहा कि हजरत ईसा की किताब का नाम ना लेने का बाश ये है कि इसमें सिर्फ मवाइज हैं आकाम बहुत ही कम है ये बात याद रखें कि जिस तरह इंसानों में काफिर हैं यहूदी हैं ईसाई हैं हिंदू हैं मुशरक हैं मुख्तलफ फिर दीन के लोग हैं इसी तरह जिन्त में भी हैं जिस तरह इंसानों में बहुत से मुसलमान है तो इसी तरह जिन्नात में भी बहुत से मुसलमान है आगे शाद फरमाया मुसद कलिमा बई नदई ही अगली किताबों की तस्दीक फरमाती यानी ये कुरान जो किताबें पहले आ चुकी हैं उसकी तस्दीक करता है यहदी दी हकी व इला तरीक मुस्तकीम हक और सीधी राह दिखाती यानी ये कुरान हक का रास्ता और सीधा रास्ता दिखाता है या कौ मना हमारी कौम अजीबी अल्लाह के मुनादी की बात मानो यानी सयद आलम वसल्लम की बात मानो जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले है वो आमीनू भी और इन पर ईमान लाओ या फिर मिंजुनु भी कुम कि वो तुम्हारे कुछ गुना बख्श देगा जो इस्लाम से पहले गुना हुए वो बख्श देगा जिनमें हुकूकुल इबाद नहीं यानी जब कोई काफिर मुसलमान होता है तो सारे गुना बख्श दिए जाते हैं लेकिन जहां तक हुकूकुल इबाद का ताल्लुक है तो मुसलमान होने के बाद भी हुकूकुल इबाद के मामलात वो क्लियर करना बाकी रहता है आगे शाह फरमाया वह युजिर कुम मिन आजा बिन अलीम और तुम्हे दर्दनाक अजाब से वो बचा लेगा यानी जब तुम ईमान ले आओगे तुम्हारे गुना बख्श देगा और तुम्हे दर्दनाक अजाब से अल्लाह तला बचा लेगा वह मल्ला युजिब दागी अल्लाह और जो अल्लाह के मुनादी की बात न माने फलाई सभी मुआजिन फिर वो जमीन में काबू से निकल कर जाने वाला नहीं अल्लाह ताला से कहीं भाग नहीं सकता और अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता वलई ही अवलिया और अल्लाह के सामने इसका कोई मददगार नहीं जो उसे अल्लाह के अजाब से बचा सके मुबीन वो खुली गुमराही में है जो अल्लाह ताला के मुनादी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की बात ना माने वो खुली गुमराही में है अवी खावा क्या उन्होंने न जाना कि वो अल्लाह जिसने आसमान और जमीन बनाए यह मुराद ये है कि जो कयामत के दिन उठने का इनकार करते हैं क्या उन्होंने इस पर गौर नहीं किया जिस रब ने आसमान और जमीन पैदा किये वलम الموتى, और इनके बनाने में न थका कादिर है कि मुर्दे जिंदा करे इन मुराद ये है कि क्या ये जो कयामत के दिन उठने का इनकार करते हैं, उन्होंने गौर नहीं किया जिस रब ने आसमान और जमीन पैदा किए वो दोबारा बनाने से आजिज नहीं है वो थका नहीं है वो इस पर कादिर है कि मुर्दों को दोबारा जिंदा कर दे बलाश इन कदीर क्यों नहीं बेशक वो सब कुछ कर सकता है वो योमी फरु आलार और जिस दिन काफिर आग पर पेश किए जाएंगे अलई शहादा बिलह इनसे फरमाया जाएगा क्या ये हक नहीं कौलू वो कहेंगे बला बलाब रब क्यों नहीं हमारे रब की कसम कौलाब अम तक फुरून फरमाया जाएगा तो अजाब चखो बदला अपने कुफर का अल्लाह तला फरमाएगा काफिरों अब तुम जहन्नम में अपने कुफर का बदला चखो। वो कुफर जिसके तुम दुनिया में मुरतकब हुए थे इसके बाद अल्लाह अपने हबीब अकरम ताला वाली वसल्लम से खिताब फरमाता है तो आप सबर करें जैसा हिम्मत वाले रसूलों ने सबर किया जिस तरह पिछले रसूलों ने पहले रसूलों ने अपनी कौम की ईजा पर तकलीफों पर सबर किया आप भी इसी तरह सबर करते रहे और इनके लिए जल्दी न करें यानी अजाब तलब करने में जल्दी ना करें क्योंकि अजाब इन पर जरूर नाजिल होने वाला है मो आदू न गोया वो जिस दिन देखेंगे जो उन्हें वादा दिया जाता है लम इल्ला मिन नहार दुनिया में ना ठहरे थे मगर दिन की एक घड़ी भर इमात ये है कि जब वो आखरत में आखरत के अजाब को देखेंगे वो अजाब जिसका वादा दिया गया था तो उस अजाब की दराजी और दवाम के सामने वो अजाब बहुत लंबा होगा और हमेशा रहेगा उसके सामने दुनिया में ठहरने की मुद्दत को बहुत कलीर और थोड़ा समझेंगे और ख्याल करेंगे कि दुनिया में हम ना ठहरे थे न रखे थे मगर दिन की एक घड़ी भर यानी वो अपनी पूरी जिंदगी को एक घंटे के बराबर समझेंगे बलाग ये पहुंचाना है ये कुरने पाक और वो हिदायत और बीनात जो इस कुरान पाक में है ये पहुंचाना है ये अल्लाह ताला की तरफ से तबलीग है बलाग ये पहुंचाना है इस कुरान को लोगों तक पहुंचाना है इस कुरान में जो रोशन निशानियां और हिदायत है इसे अल्लाह की तरफ से लोगों तक पहुंचाना है फहल यूह कौम फास तो कौन हलाक किए जाए मगर बेहकुम लोग यानी जो ईमान और फर्माबरदारी से खारिज है काफिर है नाफरमान है वही दुनिया और आखिरत में बर्बाद होंगे सुर आहकाफ का दर्श मुकम्मल हुआ अल्लाह तबारक को बताल इस सूर्य मुबारक के नूर से हमारे कुलूब को रोशन फरमाए जो नसीहतें हमने समात की अल्लाह ताला उस पर हमें अमल की तोफी अता फरमाए